और दिल्ली में स्कूलों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंडिया हैबिटेट सेंटर में ऑरेंज क्रॉस ने एक सेमिनार का आयोजन किया। इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि ऐसे मामलों में छात्रों के लिए स्कूल प्रशासन को क्या करना चाहिए। ये चर्चा कई बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इस चर्चा में राजधानी के कई नामी स्कूल और डॉक्टर शामिल हुए। मकसद सिर्फ यही था कि स्वाइन फ्लू से स्कूलों में किस तरह से निपटा जाए। स्वाइन फ्लू से पीड़ित छात्रों के लिए स्कूल प्रशासन का रवैया किसी भी तरह से नकारात्मक न रहे। डॉक्टर्स हु आर अथॉरिटी ऑन स्वाइन फ्लू विल बी टॉकिंग टू द प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली अबाउट क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स इन केस देयर इज अ फेलियर ऑफ प्रिवेंशन, व्हाट डज वन डू। चर्चा में डॉक्टरों ने साफ किया कि फिलहाल स्वाइन फ्लू से ज्यादा स्वाइन फ्लू का डर लोगों को परेशान कर रहा है और स्कूलों का रवैया नकारात्मक रहता है तो छात्र के मानसिक विकास पर भी असर पड़ सकता है। जरूरी ये है कि छात्रों से दूर हटने की बजाय उन वजहों पर ध्यान दिया जाए जिनसे बीमारी फैल रही है। श्वेता गुप्ता, जी न्यूज, दिल्ली। जी प्रभात में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर में 10 साल से कैद में है जंगल का राजा।